हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हो चुकी हूँ रेडी उठ के। और ये बैठे, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का टाइम देख लो, 3:50 पे इसकी गुड मॉर्निंग हो रही है। क्योंकि गाइस ये अभी उठे हैं इसलिए गुड मॉर्निंग हो रही है, वो भी इनकी मेरी नहीं। ऐसे तो इसलिए मुझे गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। हाँ, इसलिए आपको गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। क्या करूं गाइस, कंटेंट क्रिएटर तो जानते ही हैं, उनके लाइफ में रात को दिन, दिन को रात होती है। यही आदत शुरू से पड़ चुकी है मुझे तो। और आप कुछ खाना है अभी? 3 बज गए, सुबह से कुछ खाया नहीं। कह रही कुछ खाना है। कहने सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले बताना तो चाहिए था ना। खुद तो लेट उठते हैं, फिर नाम आता था मेरे पे कि इसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। टेस्टी वाली चाय बना ला और प्रोसेस दिखाना आज, तुम चाय कैसे बनाती हो, अपनी रेसिपी लीक करो। गाइस मैं सिंपली चाय बनाती हूँ, पता नहीं ये कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी रही तब तक मुझे मजा ही नहीं आता। क्यों, सही बोला मैंने? इसी बात को लेकर सर पर चढ़ रही है कि इसके हाथ की चाय नहीं पीता, नखरे करते चाय बनाने में। गाइस समझाओ यार। झूठ, रात को ना 2 बजे तुम्हें चाय बना के दी है। मैंने मांगी थी ना, तो बना के तो दी ना, नखरे तो नहीं करे ना। हाँ तो अब बना लाऊं, जाओ तुम भी चलो मेरे साथ, तुम लोगों को दिखाने की मैं चाय कैसे बनाती हूँ, ठीक है? मेरी ड्यूटी और लगा रहे बिना मतलब, जाओ ना बना लो यार। गाइस आप भी बताओ कि मैं चाय कैसे बना लूंगी, एक हाथ से पकड़ूंगी फोन और एक हाथ से सब कुछ डाल दूंगी, नहीं हो सकता ना। तो फिर चलो आ रहा हूँ। अरे बता रही हूँ, चल रहे हो? हाँ चल रहा हूँ, चलो 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 अब। अरे रुक जाओ गाइस, किचन में चाय का क्या फायदा, दुपट्टा रख के जाना चाहिए सर पे ना, दुपट्टा रखना चाहिए किचन में, क्योंकि ना जैसे हम खाना वाना बनाते तो उसमें हमारे बाल वगैरह। शेफ कैप नहीं है ना तुम्हारे पास? हाँ तो इसलिए मैंने, मैंने सारी बांट दी जितनी मेरे पास थी, सब कुछ बांट दिया। मैंने बहुत बांटे, मैंने तो अपनी ड्रेसें भी दे दी लोगों को, मैंने कहा ले जाओ। और नाइफ किट भी तो दे दिया आपने? नाइफ किट था मेरे पे बड़ा वाला, मटरी वाला चक्कू था मेरे पास। खाने में क्या बनाया आज? ओहो चावल, कड़ी चावल, कड़ी चावल। कान्हा जी का भोग बनाया तुमने? तो कड़ी तो दिल ने बनाई है, खाली दी थी ने चावल तुमने, और चावल मैं, चावल तो कोई भी बना ले। चावल तो मैं भी बना लूं, बनानी नहीं आती ना, तो जल्दी चाय बना लो। तो अभी ना मैं दूध डाल रही हूँ, फिर उसके बाद ना मैं दूध पत्ती में बनाती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि ना दूध ना जो फूक ना जाए, पूरा जल ना जाए वो, क्योंकि अगर दूध दूध में बनाऊंगी तो फिर चाय दूध नहीं सी हो जाएगी, है ना। हल्का सा पानी डाल दूँ सिर्फ इतना सा, फिर चाय पत्ती चीनी और अदरक बस, और कुछ भी नहीं। और ये चीज भी इसको मैंने ही सिखाई है, और ये चीज मैं तेरे ड्रामे करती है बनाने में। मैंने, मेरे खुद से आती है। क्या आता तुम्हें खुद से? खुद से तुम्हें, तुम्हें ब्रश करना भी नहीं आता, वो भी मैंने सिखाया है। अच्छा, खाना क्यों नहीं बनाते फिर? खाना तो मैंने खाना बनाना छोड़ दिया। गाइस आप लोग ना इनको कमेंट करो कि ये एक दिन ना खाना बनाए, सुबह का भी, शाम का भी, दोपहर का भी। कुल मिला के कहना चाह रही मेरी छुट्टी कर दो, मैं छुट्टी करू, तुम अपना काम करो, ये कहना चाह रही है। ये दे दो यार फटाफट से कुछ खाने के लिए, फिर देखता हूँ, कहीं बाहर जाना मुझे वैसे भी, मुझे वैसे भी बाहर जाना। अंदर कौन है? हाँ शालू सो रही है अंदर, तो बना लो फटाफट से, और खाना भी ले आना साथ में, खाना चाहिए की बार में ब्रंच कर दूंगा। कहाँ जाना बाहर? देख लेंगे कहीं घूम जाएंगे बाहर। कौन, अकेले? हाँ अकेले के नाम पर शक्ल देखो कैसी हो गई, तो जल्दी आ जल्दी फटाफट से खाना खाते पहले। ले आई, अब भूख लग रही है बड़ी तेज वाली, फटाफट यहीं रख दो, यहीं खा लूंगा मैं तो। हाँ मुझे ना पूछते भी नहीं है कि खाने नहीं खाना। तुमने खा लिया होगा, तुम कहाँ रुकने वाली हो, रख दो। तुम्हें बताया मैंने खा लिया? खाया नहीं तुमने? चाय भी नहीं पी मैंने। खाया नहीं तुमने? नहीं। तो अपना भी डाल लाओ, अब नहीं ला रही मैं, ला रही हूँ। तो एक काम करो ना, चम्मच ले आओ, उसी में खा लेंगे। नहीं कोई नहीं, आप खाओ। नहीं ले आओ, ले आओ, ले आओ, जाओ। थोड़ा बन जाता है इसका मुंह, बना लेती शक्ल बना। तो गाइस ये देखो मेरी चाय, मस्त चाय बनाती है, फटाफट से इसको फिनिश कर लेते हैं, खाना खा के और फिर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर, बहुत दिन हो गए बाहर गए हुए, तो पहले इसको तो खाना वाना हो चुका, चाय वाय भी, अब चलते हैं मार्केट। मार्केट जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन में लिया है। हाँ भाई क्या हुआ, इतना कैसे बिगड़ रहा तू, ये बता चॉकलेट कहाँ है सारी? मुझे क्या पता? झूठ,
ये चाची खड़ी है ना, चाची ने लीक करी है तेरी बात। झूठ। तू जेब में लेके घूम रही थी। जेब चेक करो। आज नहीं, जब हम वहां गए थे राजस्थान। राजस्थान मंदिर खोली तब मैंने सच बताया। कंबल में घुस घुस के चाची चॉकलेट खा लो। चलो एक मिनट इधर आइयो, अब पता लगेगी। अब कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ? तुम डब्बा लेकर आ जरा, वो वाला डब्बा लेकर आ जरा, तेरे पिल्ले टाइट करवाऊंगा अभी, रुक जा, तेज हो रही है। इतनी शरारती बच्ची, इनकी हरकतों से भी मजा आता है। पूरी भाई साहब पूरा डब्बा भर रहा था, अभी डब्बा दिखाता हूँ, कितना बड़ा डब्बा खाया इसने अकेले चॉकलेट का। मैं तो मेरे तो दो खाते बीपीआई हो गया था। ताकि खुद पर अकेले पर नाम ना इसका। चाची चॉकलेट खाओगी? दे ओ, ये पूरा खाया है ना इनने। ए ये री बाहर निकली हो, ये क्या सीन है ये? है? रुको, मैं पूरा डिब्बा खा ले ली थी चाची, मैं दो ही ली थी ना। एक डिब्बा निकला था, फ्रिज में भरा हुआ रखा। एक दो ली थी, एक दो छोड़ी है। सच सच बता दे, पूरा डिब्बा नहीं खाया। तेरे पापा से कह दूं, सच सच बता दे। 20-15 तो थी इसलिए। 20-15 कितनी? अच्छा अच्छा 20-15 थी, तूने कितनी खाई है? मैंने 20 बीस पंद्रह थी, 20 खा ली। उसमें 30 होती है। अभी क्या कही तूने, 20-15 थी? मुझे खुद को ही नहीं पता मैंने कितनी खाई है। अभी ना दिखा कितने लिखे, कितने 250 ग्राम थी इसमें। अच्छा ग्राम में लिखी है? हाँ ये 250 ग्राम, 250 ग्राम चॉकलेट खाई बैठी है तू। है इनने पार्सल भी करी है नीचे। अब फ्रिज पे ताला तो लगता नहीं है, फ्रिज के आगे एक सिलेंडर अड़ा देना। इनके नीचे कमरे में चल रहा है, जो खाने की चीजें सब खाली। बस रैपर मिलूंगा आपको वहां पे। या मंदिर का प्रसाद खा ले। दिखाना तुम्हारे कहां चोट लग गई, दिखाना। मन्नी है मेरा, ये मेरा आर्टिफिशियल होता है ना, इसलिए मैं सही कहा है सभी के गोल्ड से पक जाते हैं। खर्च कराने के नए नए बहाने, चोटें सही हो रही है गोल्ड से भाई साहब, गोल्ड से चोटे। यू कह रही है, मेरे ना चोट लग रही है। सही कह रही वो गोल्ड के इयर रिंग्स लेने पड़ेंगे तब सही होगी। देख रही है ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। चल रहा हूँ अभी, चल रहा हूँ, चलो मार्केट चल रहे पहले। चलो इसे बार बार मत घुमा, मैं पीट दूंगा। चलो जल्दी चलो यार। A few moments later. तो गाइस हम मार्केट पहुंच चुके हैं, कृष्णनगर है ना? कहाँ कृष्णनगर की मार्केट है ये? यार ये बहुत अच्छी मार्केट है, पर आज ना यहाँ पे रास्ता बंद है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ है मेरे हिसाब से, है ना? ये देखो शायद गुरु नानक जी का कुछ है। हाँ जूस पीना है क्या? इतनी ठंड में मारोगे यार मेरे को ना, बूट्स अच्छे लग रहे पर मेरे को ये दिलाएंगे नहीं। देखो कितने प्यारे हैं। चलो लार्ज ले लेते हैं, दो ना? नहीं अभी ये लो। एक लार्ज। हाँ कौन सा? पेटीएम। पेटीएम हाँ पेटीएम है ना भाई। एक लार्ज लाइट मसाला ले रही हूँ, मसाला वाला है? मसाले वाला ले रहा हूँ, लाइट मसाला ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है ना, लाइट मसाला। यार ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। तुम ना बकवास मत करो, छोटी छोटी चीजों में फैलाना पड़ता है। क्या फर्क है एक्सप्लोरिटी करने की? एक्सप्लोर करो, दुनिया भर की करो, मगर ये क्या है कि यहाँ चलो वहाँ चलो। ये पता क्या, कहीं नहीं जाने देते, बार बार से दिखवाते बस, है ना? और अंदर जाके फिर लेके बताना, तो जिस दुकान में जाओ उसी दुकान से ले आना, सही है? अब हमारे रेडियो नहीं बजा वैसे बहुत ज्यादा, मुझे बहुत पसंद है। क्या लेने आई हो तुम वैसे? यार मेरे को ना देखिए क्या अच्छा लगेगा, दिलाएंगे तो है नहीं। सही कह रहे हो ना, आँख पे हाथ रख के लेके जाऊंगा बाहर तुम्हें। क्या यार,
आंख पे हाथ रख के लेके जाऊंगा हाँ। खुद ही खुद खाने लगी, मेरे से तो पूछ भी ना रही, छोड़ दिया। बहुत तेज है, अब घर चल रहे हैं ना, क्या फायदा आने का, शक्ल ऐसी हो जाती है घर जाने के नाम पे, घुमा तो जितना मर्जी लो, घर में शॉपिंग करके जाऊंगी, मेरे लिए छोड़ दो, जल्दी से पहले इसे खा लो नहीं तो खा जाएगी सारे। गाइस हम आए तो मार्केट थे, मुझे सामान भी लेना था, इन्होंने मना भी नहीं किया, पर घर से कॉल आ गया कि पापा का ना बीपी हाई हो रहा है, 180 के आसपास हो रहा है, तो ज्यादा ही हो रहा था, जाना तो पड़ेगा, तो फटाफट पहले घर चलते हैं, हो सकता है हॉस्पिटल भी जाना पड़े। चलो निकाल रहा हूँ, अब कितना है बीपी? अब तो नॉर्मल आ गया। चाय पीना तुमने? नहीं मैंने खाना खाया। चाय भी तो पी, खाने के ऊपर चाय पी ली, फिर पानी पिया नहीं मैंने। अच्छा चाय मत पियो तुम, सर्दी सर्दी सही है ना। अब अब कितना है? अब कितना है? 145 अब भी है, ज्यादा ही है। चलो वैसे नारियल पानी आ गए पी लेना अगर हो तो गाइस। चलो सही है, पापा का बीपी नॉर्मल आ गया था और हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। तो ये देखो इसको क्या शौक लगा है, देखो मैं दिखाता हूँ, शौक नहीं करनी चाहिए, गेमिंग कर रही है, देखो ये पता किस बात पे कर रही है। कैसा लग रहा है जीटीए खेल के? हैं कैसा लग रहा है जीटीए खेल के? अच्छा लग रहा है मुझे, आ रहा है खेलना? हाँ। इसको जीटीए खेलना आ रहा है, इसको बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है इसको। नाली नहीं है ये, कैसा लगा जीटीए खेल के? अच्छा लगा, पहले भी खेलती थी। गेमिंग स्टार्ट कर रही हो फिर तुम? यार मैं ना थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ अपने बिजी शेड्यूल में, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी। तो एक काम करना ना, शाम को गेमिंग करना, साथ में बैठ के करेंगे गेमिंग बुक के ऊपर, है ना? तो चलो अगला वीडियो साथ में लाते हैं, ठीक है, गेमिंग बुक का, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो गेमिंग बुक पे साथ। देखो मेरा हाथ भी निकल गया बाहर। ओ आज भी तो मैं हूँ। अरे नहीं भाई, ये वो है, ये स्विम भी करता है पता है तुम्हें? ये स्ट्रीम नहीं कर रही ना तुम अभी, ये शिफ्ट दबा के, हाँ इससे नीचे वाला एरो दबा के, ये देखो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला एरो दबाए रखो, ये देखो ना, शिफ्ट शिफ्ट छोड़ो, आ गया ना ऊपर, तैर रहा है ना। पहले ना दूसरी वाली जीटी आती थी, अच्छा मजा आता था, तो ये वाली भी अभी मजा, सिक्स भी आने वाली है। और अब बच चुके हैं रात के 12, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सोया जाए। अब मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, और जिसको इसका गेमिंग करना पसंद आ रहा है फटाफट से कमेंट करो, फिर गेमिंग चैनल पे स्ट्रीम करवाते हैं भानु से फटाफट से, और मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और जय श्री राम।